नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से एक अजब प्रथा सामने आई है जहां नागों की अदालत लगी हुई है। यह अदालत हर साल नागपंचमी के दिन नाग मंदिर में लगती है। इस अदालत में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें कभी सांप ने काटा हो। इस अदालत में देश के कोने कोने से लोग शामिल होते हैं जिन्हें पहले कभी भी सांप ने काटा होता है। सांप काटने पर ये लोग नाग मंदिर में कलावा बांध लेते हैं जिसके बाद लोगों की जान बचने का दावा किया जाता है। लोगों की मान्यता है और विश्वास है कि साल भर में सांप के काटे लोग जब इस मंदिर में पहुंचते हैं, मंदिर के पुजारी उनको कलावा बांधते हैं, नाग पंचमी के दिन उसे खोला जाता है। इस दिन महिला हो या पुरुष नाग की तरह रेंग कर चलते हैं और नाग मंदिर तक पहुंचते हैं। अब इसे आस्था कहें या फिर अंधविश्वास, रायसेन के राम समरिया दरबार में लोग सांप की तरह रेंगते आते हैं। उसके बाद वहां आकर दावा किया जाता है कि उनके अंदर सांप की आत्मा आ चुकी है, वो सांप जिसने उन्हें काटा होता है, और वो सांप बताता है पूरा सच। तो आखिर क्या है इस नाग अदालत का पूरा सच, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इंसान जब अपराध या जुर्म करता है तो अदालत से उसे सजा मिलती है। इस तरह से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नाग पंचमी पर नागों की अदालत लगती है। इस अदालत में कोई वकील नहीं होता है, ना ही कोई दलील होती है। जीवों से सताए लोगों को यहां मुकम्मल न्याय मिलता है। नाग पंचमी का त्योहार भारत के खास त्योहारों में से एक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल नाग पंचमी का त्योहार 9 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। भारतीय परंपरा के अनुसार नाग पंचमी साल में दो बार आती है। नाग पंचमी के दिन जहां एक तरफ नाग देवता की उपासना की जाती है, तो वहीं भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में एक इलाका ऐसा भी है जहाँ नागों की अदालत लगती है। ये हम हैं यहाँ पर रायसेन जिले से लगभग 1.25 किलोमीटर दूर, यहाँ सिहोरा गांव है, यहाँ पर नागों की अदालत लगती है। और आप देख रहे हैं ये नागों की अदालत का यहाँ पर जो है नज़ारा है। जिन लोगों को वर्ष भर में लोग काटते हैं वो लोग यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ का जो धागा बांध के वो लोग अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं और वर्ष में एक बार यहाँ पर आते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं आप, नागों की अदालत लग रही है, लोगों का यहाँ पर आना जाना यहाँ पर जारी है। और देखिए ये उनको खुद वो बता रही हैं कि कहाँ कैसे काले नाग पंडित जी खुद यहाँ पर उनको जो है दूध पिला रहे हैं। लगा हुआ है मेला, लगा हुआ है, देखिए बहुत सारी जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार लोगों को आराम मिलता है, यहाँ पर पंडित जी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो है ये मंदिर है ये नाग का और नाग देवता का, और यहीं पर पूरी तरह से जो है लोगों को आराम यहाँ पर मिलता है। रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के सिद्ध क्षेत्र श्री राम रसियाधाम सिहोरा खुर्द में नागपंचमी के अवसर पर नागों की अदालत लगती है। इसका आयोजन हर साल नागपंचमी के दिन सिहोरा खुर्द में होता है। ऐसी मान्यता है कि आयोजन के दौरान सर्पदंश से पीड़ित रहे लोगों के शरीर में नागों की आत्मा प्रवेश कर काटने का कारण बताती है। मान्यताओं के अनुसार ये लोग नागों द्वारा सताने के बाद सिहोरा दरबार पहुँचते हैं। सिहोरा राम रसिया की इतनी कृपा है इस क्षेत्र में, नहीं देश और विदेशों से लोग आते हैं। और नाग अदालत लगी है आज नाग पंचमी को, एक वर्ष में नाग अदालत यहाँ लगती है जिसमें कि साल भर यदि किसी को नाग सता देता है यहाँ के नाम की गठान गांठ लगा दी जाती है।
तो जब तक यह नहीं आता जब तक उसको कुछ भी नहीं होता। श्री राम रसिया धाम सिहोरा खुर्द में पहुंचने वाले लोग बताते हैं कि जिन्होंने कभी भूल से सांप को मार दिया या फिर सताया है, ऐसे लोग वहां पर जाकर सांप की तरह व्यवहार करते हैं और पंडा जी से झड़वाते हैं और फिर सांप की तरह लेटकर अपने आप को दंड देते हैं, जिससे वो सांप को मारने के दोष से दोष मुक्त हो सके। लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका ये स्थान हर साल नाग पंचमी पर भीड़ से खचाखच भर जाता है। तो हमारे संवाददाता अनिल नागर ने दरबार में मौजूद पुजारी से बातचीत की और इस दौरान पुजारी का क्या कुछ दावा है जरा वो सुनिएगा। रायसेन जिले के सिहोरा गांव में मैं पहुंचा हूं और यहां पर एक ऐसा स्थान जो देख सकते हैं कि यहां पर सांपों की अदालत लगी हुई है। ये जो है इंसानों के स्वरूप में सांपों की अदालत लगी है। देखिए जिन सांपों ने इनको काटा था आज उनकी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर गई और नाग पंचमी के दिन इस स्थान पर ये सांपों की अदालत यहाँ लगती है। देख सकते हैं जो मंदिर के पुजारी है वो सांपों से बातचीत करने में लगे हुए हैं। गुरुजी क्या अभी इनसे आपकी बातचीत हो रही है? हाँ, इनसे आपकी बात हो रही है, किस कारण काटा, क्यों काटा, किस लिए काटा, ये तो क्या अपराध किया, कौन से पाप किए हैं। करिया जब काटता हजार पाप लग जाता है मनुष्य के लिए, जब करिया फन मारता है मैं पूरी स्थिति को धारण करने वाले शेष नांग है। यदि भी धराई धराई ये दिन पलट दे हाहाकार मच जाएगा। सत्य धर्म के आधार पर वह शेष नांग आज इन नांगों की अदालत यह दरबार में लगती श्रावण की पंचमी के लिए। जहाँ जितने साल भर में नांग काटते हैं उन्हें आज के दिन सब आते हैं, वो अपने निर्णय करा के दूध पी कर चले जाते हैं। तो एक साल में जितने भी सांपों ने काटा इनको ये सब यहाँ पहुँचे हैं? हाँ, एक साल में जितने नांग आए हैं ये सब आए हैं और सब आकर के अपने निर्णय करा करके ले जा रहे हैं। जिनके लिए काटा है इनका निर्णय सुने शेष नांग की जाए। तो देखेंगे कि इस समय जो महाराज है वो जो सांप की आत्मा है वो इनके शरीर में प्रवेश की गई है और उनसे ये बातचीत कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं आत्मा से कि क्यों काटा था, कैसे काटा था, क्या गलती हो गई थी, क्या कुछ और बातचीत अभी आपकी इनसे हो रही है? हाँ, वो भी बात हो रही सामने, बात हो गई, अपना कारण बताएंगे, कारण बता के क्षमा मांगे भगवान शेष नांग सारी स्थिति के निराधान करने। आज के दिन शेष नांगी गौ माता के सींग पे पूरा पृथ्वी का भार धारण करते हुए करके आज मृत लोक में संसार के। अभी जो इनके शरीर में आ रहा है वो सांप की आत्मा है? आत्मा है, सांप की आत्मा आ रही भाई बोल रही है। तो आज यहाँ इसके बाद क्या मुक्ति मिल जाएगी इनकी आत्मा? मुक्ति मिलेगी, अभी देख रहा मुक्ति मिलेगी। क्या किया जाएगा उसके लिए? उसके लिए दूध पिलाएगा, फूल पिलाएगा, चढ़ाया जाएगा और जो जाते नियम करेगा श्री राम का भजन करें, शंकर जी जल चढ़ाए, दुर्गा जी जल चढ़ाए, नर्मदा के लिए दिया लगाए, इस प्रकार नहीं होता है। सीताराम अभी क्या कारण बताया ना उन्हें क्यों इनको काटा? आप क्यों काटा अभी बता रहे हैं, क्यों काट जी ने हम पर लात धर दी, लात धर दी, लात धर दी थी, पानी में बैठे थे कंधा हाथ। तो देखिए जो सांप की आत्मा उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्यों क्यों काटा आपने इनको जरा बताएं। लात धरी थी इसने, देखेंगे इसने हमारे ऊपर लात का धरी, इसलिए आपने काट लिया। हाँ। तो आज आज से आप इनको छोड़कर चले जाएंगे फिर? हाँ। छोड़ दें। हाँ। पूरे नांग आए सब, नांग आए आज दरबार में सब आए, कितने कितने दिनों से आप इनके शरीर में आ रहे हैं? एक महीने होगा। एक महीने से। तो देख सकते हैं कि जो है अब इनसे गुरुजी बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या कारण रहा कि सांप ने इन्हें काटा था। देखिए सांप की जो आत्मा है वो गुरुजी से बातचीत कर रही है और हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी। देखिए तो नागों की अदालत यहां पर लगती है, अब ये आस्था है या अंधविश्वास है इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं जो कि संयोजक हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था के, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल नागर जुड़ गए हैं रायसेन से। मैं आपके पास आऊंगी दिनेश मिश्रा जी, लेकिन एक बार जो ग्राउंड पर स्थितियां हैं अनिल नागर ने जिन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करी थी, अनिल एक बार वहां की तस्वीरों को दिखाइएगा और ये मान्यता कब से चली आ रही है ये भी बताइएगा। गौर में
देखिए रायसेन जिले में स्थित सियोरा गांव में शेषनाग का ये मंदिर है और यहाँ पर सुबह से जो है आज रंग नागपंचमी के दिन सुबह से यहाँ पर जो है सांपों की अदालत लगी हुई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये मेरे पीछे जो जो भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर सांपों की अदालत लगी हुई है और सुबह से इस तरह की जो कतारें हैं यहाँ पर लगी हुई है। पंडित जी का दावा है कि सुबह से जो है यहाँ पर 300 ऐसे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्हें सांपों ने काटा था और आज सांपों की अदालत यहाँ पर लगी। यहाँ पर जो है आज सांप जो है जिनकी आत्मा, जिन सांपों ने इन्हें काटा था, उनकी आत्मा शरीर में आ रही है और पंडित जी से बात कर रही है और यहाँ पर उन्हें दूध पिलाया जा रहा है और दूध पिलाने के बाद उन आत्मा उसे मुक्ति दिलाई जा रही है। देखिए मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। क्या कुछ आपके साथ हुआ, क्या सांप ने आपको काटा था? काटा था सांप ने, 20 दिन पहले काटा था और यहाँ पर आए सीहोर मंदिर है शेषनाग भगवान का, वहाँ पर आके कितनी बार सांप ने आपको काटा? दो बार काट चुका। कब? परसाल काटा था और अभी 20-22 दिन हो गए जब काटा। तो अभी यहाँ पर आए थे गुरुजी के पास में। क्या हुआ आज यहाँ पर? यहाँ पर ये हुआ का सांपों से बातचीत गुरुजी कर रहे हैं करके, और आपके शरीर में सांपों की आत्मा आई थी? आई थी आत्मा बोली, गुरुजी से बातचीत करी, करने के बाद उनसे छुटकारा हुआ। गुरुजी ने बोल दी कि भाई अब ऐसा नहीं होगा, धर्म पुण्य जो भी कुछ बताया बिन्ने वो अपन को करना है। क्या आत्मा से क्या बातचीत हुई गुरुजी की? अब नहीं बता सकते आपको, नहीं याद? नहीं अभी याद नहीं, वो भाई था याद, अब नहीं। कितने समय, अच्छा जब सांप ने आपको काटा था तो उसके बाद क्या आपको यहाँ लाया गया था? नहीं यहाँ पर नहीं लाया गया, दूसरी जगह गया। यहाँ तो हम पूछने के लिए आए थे गुरुजी से, नाग पंचमी के दिन यहाँ पर पट्टा भराते हैं और सभी लोगों से जिन जिन को काटता है उनसे सबसे बातचीत करते हैं और उनसे छुटकारा मिला जाता है सब लोगों को। तो आज आपको जो है सांप की आत्मा से छुटकारा मिल गया? आज के दिन नाग पंचमी के दिन छुटकारा मिला। साल में एक दिन ही ऐसा होता है कि नाग पंचमी के दिन ही छुटकारा मिलता? साल पे एक दिन होता है, नाग पंचमी के दिन जी होता है, होने के बाद सबको छुटकारा मिल जाता है। तो ये लोगों का यहाँ पर मानना है कि जिनको सांप ने काटा है अगर वो यहाँ पर पहुंचते हैं इस मंदिर में नाग पंचमी के दिन तो उनको छुटकारा मिल जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, ये अभी तक आपने जितना तस्वीरें देखी हैं, जितनी वीडियोस देखी होंगी, लोगों की बातें सुनी हैं, ये आस्था है या अंधविश्वास है? क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है, ये एक तरीके से पूरा अंधविश्वास का मामला है। देखिए जब भी सर्पदंश होता है किसी व्यक्ति को तो जो जहरीले सांप जिनको काटते हैं अगर उस व्यक्ति को इलाज नहीं मिले तुरंत तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर उसको एंटी स्नेक वेनम नहीं लगाया जाए, उसको तुरंत उसको प्राण रक्षक दवाएं ना दी जाए तो मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को विषहीन सांप ने काटा है, जो जहरीले सांप नहीं है, जो पानी के बरसात के मौसम में आपको अधिकांश स्थान पर दिखेंगे, और ग्रामीण अंचल में सर्पदंश की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, अस्पताल नहीं होते हैं, वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर लोग गाहे बगाहे वहाँ पर सर्पदंश के शिकार होते हैं और लोग बचते भी हैं क्योंकि उसमें से अधिकांश सर्प विषैले नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं मतलब वो सर्पदंश के भय से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। तो उसमें अगर कोई ऐसी उनके बीच में ऐसी कोई खबर उड़ाई दी जाती है, ऐसी कोई अफवाह आ जाती है या ऐसे कोई प्रचार आते हैं कि आप ऐसे मंदिर में आ जाए यहाँ पर आपको सर्पदंश या नाग की आत्मा को बुलाया जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे या आपको आगे से सांप नहीं काटेगा, तो उस खबर के प्रभाव में लोग आ जाते हैं उस अफवाह के और लोग ऐसे मंदिरों पर चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो ग्रामीण अंचल में ऐसे भी मंदिर देखे गए हैं जो भूतों के मंदिर हैं, जहाँ पर लोग भूत बादल से कहा जाता है प्रेत लोग आते हैं और ऐसे ही झूमते हैं जैसे ना किसी में नाग देवता है वैसे लोगों पर भूत आते हैं, कहीं पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें आने की लोग बात करते हैं। तो ये एक प्रकार का अंधविश्वास है और जो लोग ऐसी चीज़ों से झूम रहे हैं, जो नाग के प्रकार से चल रहे हैं, ये हिस्टीरिया होता है। जो आदमी जब बहुत ज़्यादा डर में होता है, बहुत ज़्यादा अगर भय में रहता है तो इस प्रकार की हरकतें करता है। इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो अपनी शिकायत करते हैं उनके ऊपर भूत आ जाते हैं, नाचते हैं कूदते हैं, जब कोई आदमी उनके ऊपर मंत्र फूकने की बात करता है, ताबीज छिड़कने की बात करता है, उनको मारता पीटता है तो कहता है उसके भूत उतर गए। ये उसी प्रकार का मामला है, इस प्रकार का हिस्टेरिकल मामला है।
और इसमें चूंकि एक सामूहिक ऐसी जगह है जहां पर नाग देवता का मंदिर है, भाई जितने सांप ने काट लिया क्या वो सब मर चुके हैं जिनकी आत्मा अचानक आ गई है दूसरे के शरीर में और बता रही है आकर के? तो सर्दर्स की घटनाएं गांव में होती हैं, लोगों बरसात में लोग हैं नंगे पैर चलते हैं, खेत है, पानी गिर रहा है, कई बार सांप कुचल जाता है, इससे कई बार दंश होता है, लेकिन बहुत सारे सांप जो हैं वो जहरीले नहीं है, इसलिए लोग बचे हुए हैं। तो उनको जब भी ऐसी बात होती है तो उनको अपने लोगों से चर्चा करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, सही उपचार होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की जो बातें हैं ये पूरी तरह से जो है बिल्कुल बनावटी बातें हैं और जो मान्यताएं हैं वो अंधविश्वास के तौर पर मानी भी जाती हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल नागर, हमने पुरुषों को तो देखा, आपने पुरुष से बातचीत भी करी है, महिलाओं को भी हमने देखा कि वो भी उसी तरह से मिट्टी में लोटती हुई सांपों की तरह कहीं ना कहीं मिट्टी में जाती हुई दिखाई दी है। उन महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा कि वाकई में क्या महिलाओं के अंदर भी सांप की आत्मा आती है जिससे वहां पर मौजूद पुजारी बातचीत कर पाते हैं। देखिए बिल्कुल यहां पर महिलाएं भी पहुंची है जिनके शरीर में जो है सांप की आत्माएं बातचीत कर रही है, पुजारी से जो यहाँ के पुजारी है उनसे बातचीत कर रही है। देखिए सुबह से इस तरह की कतारें हैं। देखिए मैं बात करने की कोशिश करूंगा कुछ महिलाओं से, मैं वो तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी कई सारी बैठी है जो कि पुजारियों से बातचीत कर रहे हैं उनके। देखिए दावा ये किया जाता है यहाँ पर कि जिन जब सांप ने इनको काटा था उसके बाद यहाँ से जो है यहाँ आटी बांधी गई। ठीक है, तो अनिल नागर हमारे संवाददाता लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार फिर से उनके पास हम लौटेंगे। लेकिन दिनेश मिश्रा जी, ये जो अंधविश्वास लोगों के अंदर उत्पन्न होता है इसे रोकने की क्या कोशिशें होनी चाहिए, क्योंकि ये अंधविश्वास कई बार आपके लिए जानलेवा भी साबित हो जाता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से जानलेवा होता है। आप अगर किसी सांप के पास जाकर के उसकी आप पूजा करते हैं, ऐसा आपने देखा होगा कई बार जो लोग सर्प मित्र कहलाते हैं जो सांपों को पकड़ते हैं, कई बार उनकी मृत्यु भी सर्पदंश से ही होती है, कई बार सांप पकड़ने आते हैं उनको सांप काट लेता है, तो ऐसा धोखा होता है। तो लोगों को ऐसी इस प्रकार से बचाव की कोशिश करना चाहिए, प्राथमिक सुरक्षा है उसकी ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट एड जिन स्थानों पर आप रह रहे हैं जाने वहाँ पर सर्पदंश की घटनाएं हो रही हैं वहाँ फर्स्ट एड का सामान होना चाहिए। अब हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि जो बरसात का मौसम है जब यहाँ पर सर्पदंश की घटनाएं होती हैं, जहाँ पर बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं वहाँ पर एकदम आपातकालीन उसमें शिविर लगाए जाने चाहिए जहाँ पर ऐसे लोगों के इलाज की तुरंत व्यवस्था हो ताकि उनकी जान बच सके, क्योंकि प्रतिवर्ष जो है हजारों मौतें जो हैं वो सर्पदंश से पूरे देश भर में होती हैं, सिर्फ ये रायसेन का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। और लोगों को ये जागरूक करने की आवश्यकता है कि भाई आप अगर कोई जहरीला सांप है आपके सामने आता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आप पहचानते नहीं हो कि वो सर्प जो है वो जहरीला है कि विषीन है, कैसा है, कि सिर्फ बरसाती सांप है, तो आप उसके बिल्कुल नज़दीक मत जाइए, आप उसको लाठी से या किसी भी चीज़ से उसको कुचलने की कोशिश ना करें, आप उसको छेड़ने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, जो सांप को जो दूध पिलाने की बात है, इसमें मैंने एक और चीज़ देखी है कि सांप को दूध पिलाया जाता है। सांप जो है एक मांसाहारी प्राणी है, सर्प का जो भोजन है वो दूध नहीं होता है, सर्प जो है चूहे है कीड़े मकोड़े उसको खा करके अपना पेट भरता है। तो अगर किसी सांप को दूध पिलाया जाता है कहने की जो बात होती है, तो वो व्यक्ति दूध पी रहा है या पुजारी जो है वो दूध पी रहा है, उसमें कोई सांप दूध नहीं पी रहा है। जिस सांप ने काटा है वो पता नहीं कौन से क्षेत्र में काटा है, सर्प की जो आयु है कोई बहुत लंबी नहीं होती है, उनमें से अधिकांश की मृत्यु भी हो जाती है। आप देखते हैं सड़क पर हम निकलते हैं बहुत सारे वाहन जो है सर्प को कुचल देते हैं, बहुत सारे सांप को इस प्रकार उनकी मृत्यु भी हो जाती है, कई बार उनको निवले खा जाते हैं, तो ऐसी घटनाएं होती है उसमें। तो अगर कोई कहे कि उसने सांप को दूध पिला दिया है और उसने माफी मांग ली है, कलवा बांध दिया, तो ये सब बातें आज के युग में जो है ये तार्किकता से मेल नहीं खाती हैं और ये गैर वैज्ञानिक बातें हैं, और इसमें सरकार को प्रयास करना चाहिए और उस क्षेत्र में जो भी लोग हैं जो विज्ञान से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं और चिकित्सा से जुड़े लोग हैं, और साथ ही मीडिया से मेरा यही निवेदन है कि लोगों को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि भाई इस प्रकार से जो आप जाते हैं उसमें आपका सांप से आगे कोई बचाव नहीं होगा कि आपने सांप को दूध पिला दिया सांप नहीं काटेगा। जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वो अगर गांव का एरिया है वहां पर पानी गिरता है तो सांप क्या होता है चूंकि बिलों में रहता है और जब पानी भर जाता है खेतों में तब बिल से निकल करके सांप चलने लगता है, कई बार सड़कों में है, खेत में है, लोगों की झोपड़ियों में घुस जाता है, तो वह उससे अगर आप उस पर उसको खतरा रहता है तो किसी को दंश कर सकता है। तो हमको इसके बचाव की कोशिश करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। स्नैक पिट जो बनाए जाते हैं घरों के बाहर में, जैसे एनसीसी के कैंपों में सिखाया जाता है कि आप स्नैक पिट बनाए, गड्ढा बनाए ताकि आपके घर के अंदर सांप प्रवेश ना कर सके, आप वहां पर मच्छरदानी रखिए, आप जमीन पर ना सोएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से लोग अभी भी जो गरीबी के कारण जमीन में सोते हैं और सांप जमीन में लोगों को काटता है आकर के, तो अगर उस प्रकार स्पेशल जो है उससे मच्छरदानी। और मेरा सवाल इस बीच रहेगा क्योंकि बीते दिनों एक खबर बहुत चली थी
जिसमें एक व्यक्ति का बार बार ये कहना था कि सांप उसके सपनों में आता है और उसे ये कहता है कि 9 बार तुम्हें काटूंगा और उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, 8 बार सांप उसे काटता है, ये उसका कहना था। तो क्या वाकई में ये एक सोच है आपकी जो आप बार बार उसी दिशा में सोचते हैं और आपको उस तरह के सपने आते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, इसमें बारे में मैंने भी पढ़ा था और इसमें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का एक स्पष्टीकरण भी आया था कि उस व्यक्ति को स्नैक फोबिया हो गया है, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि उसको सांप ने काटा है, लेकिन वास्तव में उसका कहना है कि वो इलाज के लिए भी नहीं गया और वो बच गया, ठीक हो गया, उसको 8वीं बार भी काटेगा, 7वीं बार भी काटा, ऐसा करके उसको मन में जो डर समा गया है। तो ये फोबिया के तौर पर जरूर माना जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल नागर, आप हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार उन तस्वीरों को दोबारा से दिखाने की कोशिश करिएगा। दावा किया जाता है कि 50 सालों ठीक है। तो अनिल जहां पर मौजूद हैं वहां पर कुछ तकनीकी खामी है, इस वजह से अनिल हमें वो तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जी मीडिया आपको दिखा रहा है, और जिस तरह से डॉक्टर दिनेश मिश्रा ने कहा कि ये अंधविश्वास है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति के भीतर एक सांप की आत्मा आए और उसके बाद उसको हर वो वाक्य बताए कि आखिरकार उसे काटा क्यों था। बहुत शुक्रिया है डॉक्टर दिनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनिल आपका भी, तमाम जो तस्वीरें आपने जनता तक पहुंचाई हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर अब कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं, और सवाल ये है कि 30 साल से आखिरकार ये जो अदालत लग रही है उसकी सच्चाई क्या है? सांपों की आत्मा इंसानों के अंदर आने का दावा, क्या वाकई ये सही हो सकता है? अगर सही है तो कितना सही है? आस्था के नाम पर लोगों के साथ आखिरकार धोखा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि असलियत ऐसी नहीं हो सकती। नागों की अदालत या आस्था है या अंधविश्वास है? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। और बाबा का इलाज करने का दावा, वो कितना सही है? ये तमाम सवालों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। आप जरूर इस पर विचार करिए कि आखिरकार ये जो तस्वीरें हैं, जिस तरह से इलाज किया जाता है, ये वाकई आस्था है या फिर अंधविश्वास है? फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश।